साक्षी के स्ट्रेट माइल रोड निवासी जलील अहमद वारसी के क्वार्टर में चोरों ने घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जहां घटना बीती रात की बताई जा रही है, इसकी जानकारी जलील को तब हुई जब वह सुबह नींद से जागे। उन्होंने पाया कि उनके घर से सामानों की चोरी हो गई है। तत्काल इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। जलील अहमद वारसी है, ये साक्षी रामलीला मैदान L4Y 9 क्वार्टर नंबर है और मैं एक स्टूडेंट हूँ NSU नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी का डिफार्मा कर रहा हूँ। और मेरे एग्ज़ाम चल रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था। रात को करीब 3 बजे तक मेरा मोबाइल में अलार्म लगा हुआ था। 3 बजे मैंने मोबाइल का अलार्म बंद किया, उसके बाद मेरे को झटकी लग गया, मैं सो गया। तो पीछे दीवार फाड़ करके दीवार में जो कि कांच लगा हुआ है, दीवार पार करते हुए कुछ चोर लोग आए होंगे। अब मैं तो सोया हुआ था, वो अंदर आए होंगे और मेरा जो कि सुबह का टाइम था तो दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था, ठीक है। तो अंदर आने के बाद मेरे रूम से मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, कुल मिला के कितने का सामान चोरी, 1.5 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए करीब मेरा रूम से चोरी हुआ है। और सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। इधर जलील नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में बी फार्मा की पढ़ाई करते हैं। उन्होंने बताया है कि शुक्रवार तड़के वे एक बार उठने के बाद फिर से सो गए थे और सुबह जब वे दोबारा उठे तो उन्होंने पाया कि घर से लैपटॉप समेत अन्य सामानों की चोरी कर ली गई है। घर से लगभग 1.5 लाख के सामानों की चोरी हुई है। मैंने सुबह मॉर्निंग में करीब 8 बजे साक्षी थाने में जाकर के FIR रजिस्टर करवा दिया था। प्रशासन के लोग आए थे, करीब शाम को 4, 4:30, 5 बजे करीब आए थे। वो आकर के पूरा चेक हुआ मॉर्निंग सुबह, कल 3 तारीख की घटना है, 3 तारीख की नाइट की घटना है सुबह मॉर्निंग की। तो प्रशासन लोग आए थे शाम को करीब 3-4 बजे करीब प्रशासन लोग आए थे और आकर के उन्होंने पूरा चेक किया है। क्या नाम है आपका, जगह का क्या नाम है? मेरा नाम जलील अहमद वारसी हुआ और ये जगह है साक्षी रामलीला मैदान क्वार्टर नंबर 9 L4Y 9। लैपटॉप में पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे PDF वगैरह फाइल वगैरह था जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और मोबाइल तो आप जान ही रहे हैं कि मोबाइल इतना इम्पोर्टेंट होता है। कुछ कैश मेरा पर्स में, कुछ पैसा भी था और मेरे पास में क्वाइन का एक बॉक्स था, स्टील का एक बॉक्स होता है, मेरे पास में क्वाइन का पूरा कलेक्शन था और बहुत ओल्ड कलेक्शन था, बहुत कॉस्टली कलेक्शन था। मैंने कई कंट्रियों का था, आपका इंडिया का और आपका फॉरेन कंट्री का भी था, सऊदी अरब का, दुबई का, बहुत सारा करेंसी था मेरे पास में, सब क्वाइन था और वो भी मेरे रूम से चोरी हुआ। कुल 1.5 लाख रुपए का सामान, उससे भी देखिए कॉस्टली क्वाइन का जो कलेक्शन होता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है वो। अगर हम उसको अपना म्यूजियम वगैरह में रखेंगे तो उससे हम बहुत पैसा भी कमा सकते थे उस पैसा। बट मेरे पास में सिर्फ स्टॉक था, पुराना कलेक्शन था।